हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे बुनियन। बुनियन क्या होता है? बुनियन होता है जो मेटाटार्सल और फेलेंजिस, बिग टो के फेलेंजिस और मेटाटार्सल के बीच जो जॉइंट होता है वहाँ पर बोनी प्रोमिनेंस हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बुनियन कहते हैं। और ये बहुत पेनफुल होता है, तो बुनियन को हम लोग हेलिक्स रेगस भी कहते हैं। ठीक है, ये फेलेंजिस है हमारी सारी, और ये क्या है? ये मेटाटार्सल है। ठीक है, ये नॉर्मल फुट है और ये फुट विथ बुनियन है। ये मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट पे होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? जो अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है बुनियन में। ठीक है, तो ये अनअलाइंड होता है, इस वजह से ये कॉज होता है, बोनी प्रोमिनेंस बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, तो इट इज़ अ डिफॉर्मिटी ऑफ द मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट। ठीक है, कनेक्टिंग द बिग टो टू द फुट। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जब मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट पे अनअलाइंड हो जाते हैं ये दोनों जॉइंट आपस में, तब वहाँ पर क्या होता है? बोनी प्रोमिनेंस हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, पेनफुल होता है वो, तो उसी को क्या कहते हैं? बुनियंस कहते हैं। ठीक है, बुनियन क्या होता है? बोनी बम्प, यानी कि बोनी प्रोमिनेंस हो जाता है, बोनी बम्प हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है? एमटीपी जॉइंट पे। ठीक है, तो इट इज़ अ बोनी बम्प दैट फॉर्म ऑन द जॉइंट एट द बेस ऑफ द बिग टो। और बुनियन बनता कब है? ये जब कोई बहुत ज़्यादा टाइट शूज़ पहनता है, यानी कि ये जब अलाइनमेंट ख़राब होता है किसी भी वजह से, जब मेटाटार्सल और फेलेंजेस का अलाइनमेंट ख़राब हो जाता है, तब ये बुनियन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, बुनियन इज़ फॉर्म व्हेन द बिग टो पुश्ड अगेंस्ट द नेक्स्ट टो एंड बिकम रेड एंड पेनफुल। क्योंकि ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अलाइनमेंट ये नॉर्मल अलाइंड है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अलाइनमेंट इसका बिगड़ गया है, इसकी वजह से ये बुनियन फॉर्म हुआ है। तो बुनियन के रिस्क फैक्टर क्या क्या होंगे? वियरिंग ओवरली टाइट शूज़, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइट शूज़ पहनने से अलाइनमेंट ख़राब होगा। हाई हील शूज़ की वजह से बुनियन बनता है। कई कई बार हमें फैमिली हिस्ट्री में देखने को मिलता है कि बुनियंस इनके यहाँ सबको हो रहा है। ठीक है, और कई बार रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो भी कॉज हो सकती है बुनियन फॉर्मेशन का। ठीक है, अब देखते हैं सिम्टम। तो सिम्टम में क्या क्या होगा? एक तो प्रोमिनेंट दिखाई देगा वो, ठीक है, उभरा हुआ पोर्शन दिखेगा क्योंकि वहाँ पे अलाइनमेंट बिगड़ गया है। रेडनेस दिखाई देगी, साथ ही साथ वो पेनफुल होगा। ठीक है, तो पेन प्रोमिनेंट रेड एंड पेनफुल जॉइंट एट द बेस ऑफ द बिग टो, उसे क्या कहेंगे? बुनियन कहेंगे। और यही इसके सिम्टम होंगे कि वहाँ पे रेड दिखेगा, पेनफुल होगा, प्रोमिनेंस दिखाई देगा हमें, तो वो क्या हो गया? सिम्टम हो गया। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है? ब्रूसाइटिस और अर्थराइटिस। ठीक है, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन होंगी। और डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो जो सिम्टम लेके आ रहा है पेशेंट, उनको देखेंगे कि वो सिम्टम कैसे हैं, और उसके साथ ही साथ हम लोग एक्सरे करवाएंगे, जिसके बेसिस पे बोन की क्या होती है? डायग्नोसिस होती है। तो अगर बोन में डिफॉर्मिटी है तो हम सबसे पहले क्या करवाते हैं? एक्सरे करवाते हैं। तो बोन के लिए हम लोग क्या करवाएंगे? एक्सरे करवाएंगे। तो सिम्टम और एक्सरे के बेसिस पे हम डायग्नोसिस करेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा प्रॉपर शूज़। क्यों? क्योंकि उसका जो अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हुआ है, तो उसे अलाइन करने के लिए उसको प्रॉपरली शूज़ देंगे जो उसके पैर की शेप को अलाइन कर सके। और ऑर्थोटिक्स में क्या होता है? ऑर्थोटिक्स मेडिकल की वो ब्रांच है, यानी कि ऑर्थोटिक्स में हम लोग ये ऑर्थो यानी कि बोन रिलेटेड कंप्लेंट्स को ठीक करते हैं। उनके लिए जो इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो बनाते हैं, जैसे कि जिनके पैर में डिफेक्ट होता है उनको शूज़ बना के दिया जाता है ऑर्थोटिक्स में। ठीक है, तो और NSAIDs दे देंगे। NSAIDs मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे, जिसकी वजह से रेडनेस और इन्फ्लेमेशन कम हो और पेन में उसे आराम हो। ठीक है, और अगर इन तरीकों से भी उसे आराम नहीं हो रहा, तब हम उसे सर्जरी का सजेशन देंगे। तो ये हो गया कंप्लीट बुनियंस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।